हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग काउंट द रिवर्सल्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको तीन चार अप्रोच बताऊंगा, तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखो। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने वीडियो पूरा का पूरा देख लिया तो आप अपने से इस क्वेश्चन की बेंड बजा पाएंगे और आप खुद चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो प्लीज आप ध्यान से समझो और वीडियो को अंत तक देखो। क्वेश्चन क्या है? गिवेन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया गया है जिसमें केवल ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स हैं। ठीक है सर, फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ रिवर्सल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इंटू अ बैलेंस्ड एक्सप्रेशन। तो हमें क्या करना है, कम से कम नंबर ऑफ रिवर्सल को फाइंड आउट करना है ताकि इसको हम लोग एक बैलेंस्ड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर पाए। रिवर्सल मीन्स चेंजिंग जो हमारा ओपनिंग है उसको क्लोजिंग में, या फिर क्लोजिंग है तो उसको ओपनिंग में। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा समझाता हूँ और फिर बताता हूँ कैसे चीजें काम कर रही हैं और क्वेश्चन बेसिकली कह क्या रहा है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया गया है जिसमें केवल कर्ली ब्रेसेज है, ओपनिंग और क्लोजिंग। हमें क्या करना है, देखो ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज वे में है, मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है। हमें बताना है कितने कर्ली ब्रेसेज को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग करूंगा, क्लोजिंग है तो ओपनिंग करूंगा, ताकि ये बैलेंस्ड पैरेंथेसिस बन सके। तो देखो मैं तुमको पहले एक चीज बताता हूं कि कोई भी जो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स हैं वो सही तभी हो सकते हैं जिसमें क्या हो, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इवन अगर हमारे पास जैसे ऐसा है, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, तो अगर इसको कोई बोलता है कि क्या आप इसको बैलेंस्ड मानोगे, बैलेंस आप इसको कर सकते हो, कितने ट्रावर्सल लगेंगे, कितने रिवर्सल लगेंगे, तो मैं बोलूंगा ये होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और कभी भी अगर कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है तो क्लोज जरूर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गया है या फिर सिर्फ कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया है। अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी चाहिए, क्लोजिंग है तो ओपनिंग भी चाहिए, मतलब हमेशा पेयर में चाहिए। और आपको पता है कि जो पेयर होता है वो दो नंबर का होता है, मतलब दो कर्ली ब्रेसेस होना ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि जितने हमारे कर्ली ब्रेसेस यहाँ है वो इवन नंबर में है या फिर ऑड नंबर में। अगर ऑड नंबर में होंगे तब तो मैं उनको ऐसे ही ठीक कर ही नहीं सकता। अगर ऑड नंबर ऑफ इसमें कर्ली ब्रेसेस होंगे तो क्या मैं उसको वैलिड बना सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर का पेयर नहीं होता है, पेयर होता है इवन नंबर में। तो सबसे पहले आप लेंथ चेक कर लोगे कि क्या जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ ऑड तो नहीं है। अगर ऑड रहेगा तो मैं उस पर कोई भी काम नहीं कर सकता है। ये आपको बेसिक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट है, सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्या पहले क्लोजिंग ब्रैकेट रहता है? तो आप बोले नहीं सर, पहले तो ओपनिंग रहता है, मतलब इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं चेंज किया तो एक, मतलब एक चेंज हमने कर लिया, एक नंबर ऑफ स्टेप लग गया। ठीक है, ये ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग है, ठीक है, क्लोजिंग है, ठीक है, क्लोजिंग है, ठीक है, ये दोनों एक पेयर फॉर्म कर रहा है, ये दोनों एक पेयर फॉर्म कर रहा है। यहाँ फिर ओपनिंग है, यहाँ ओपनिंग है, फिर यहाँ ओपनिंग है, और फिर यहाँ क्या है, क्लोजिंग, फिर यहाँ क्या है, ओपनिंग है, ओपनिंग। तो अब देखो यहाँ ओपनिंग है, यहाँ ओपनिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोजिंग बनाना पड़ेगा। यहाँ अगर ओपनिंग है तो अगर आप इसको क्लोजिंग बना दिए तो दो स्टेप लग गया, और यहाँ ओपनिंग है, ओपनिंग, तो इसको आप क्लोजिंग बना दिए तो तीन स्टेप लग गया। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले ओपनिंग, पहले ओपनिंग, फिर ओपनिंग, फिर ओपनिंग, तीन ओपनिंग, 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 फिर एक दो तीन, तीन क्लोजिंग, 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 फिर यहाँ ओपनिंग, फिर यहाँ क्लोजिंग, फिर यहाँ ओपनिंग, फिर यहाँ क्लोजिंग। तो आपको तीन नंबर ऑफ स्टेप लग गया। पहला आप इसको चेंज किए एक स्टेप, दूसरा आप इसको चेंज किए दूसरा स्टेप, तीसरा आप इसको चेंज किए तीन स्टेप, मतलब तीन तीन रिवर्सल चाहिए कम से कम, ताकि आप इस जो हमारा स्ट्रिंग है उसको आप वैलिड बना सके। तो आपको कितना लग गया, तीन स्टेप लग गया। ठीक है, और तीन स्टेप लगा है तो हमारा ए क्या हुआ है, वैलिड बन गया है, वैलिड पैरेंथेसिस बन गया। क्या आप इसको कर सकते हैं? तो मैं देख रहा हूँ पहले इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है, ऑड है, तो इसको मैं कर ही नहीं सकता। तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस वन डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि तीन नंबर ऑफ स्टेप्स लग गया। तो अब सवाल है कैसे होगा, तो समझो कैसे होगा। देखो कैसे होगा, मुझे पता है, मुझे पता है, हमने स्टैक में अपने पढ़ा है स्टैक में कि वैलिड पैरेंथेसिस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पैरेंथेसिस, वैलिड पैरेंथेसिस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इतना आपको पता है।
तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है इसमें वैलिड पैरेंथेसिस कितने हैं, मतलब क्या कौन सा पैरेंथेसिस वैलिड है, तो आप बोलो सर यहाँ से यहाँ तक तो मुझे वैलिड दिख रहा है, तो मैं बोलूँगा इसको रिमूव कर दो। आप बोलो क्यों सर, ध्यान समझो, जो वैलिड है उसको रिमूव कर दो। अब कितना बच गया, एक क्लोजिंग और तीन ओपनिंग, इतना बच गया। ध्यान से एकदम समझना, एकदम ध्यान से, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इसको वैलिड बनाना है, वैलिड हमें बनाना है। तो जो पहले से वैलिड है क्या उसको छेड़छाड़ करना सही रहेगा, ध्यान से एकदम समझो, एकदम ध्यान से, बहुत आसान है। क्या जो पहले से वैलिड है उसको छेड़छाड़ करना कोई सही काम है, नहीं काम है, क्यों, क्योंकि यार वो तो कोई कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है, उसको तो मुझे करना ही नहीं है। तो जो वैलिड है पहले उसको निकाल दो, हमने इसको निकाल दिया, कितना बच गया, इतना। अब इतना बच गया तो इसमें देखो, इसमें देखो हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट कितने हैं, तो आप बोलो सर एक दो तीन, तो मैं यहाँ एक बार लिख लेता हूँ, ओपनिंग तीन है, क्लोजिंग कितने हैं, क्लोजिंग एक है, और सारा सारा एलिमेंट चार है, मतलब दो ओपनिंग होना चाहिए, दो क्लोजिंग होना चाहिए, मतलब आधा जो ओपनिंग है, आधा जो ओपनिंग है और जो आधा क्लोजिंग है, जो आधा ओपनिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा, जो आधा क्लोजिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो ओपनिंग अगर हमारे पास थ्री है, क्लोजिंग हमारे पास वन है, तो ओपनिंग का आधा कितना हो जाएगा, 3/2, क्लोजिंग का आधा कितना हो जाएगा, 1/2। इन दोनों का लेना है सील वैल्यू, सील यहाँ लिख दो और सील यहाँ लिख दो, क्योंकि देखो चार हमारे पास बचे हैं, तो मुझे पता नहीं है कितना कौन सा ओपनिंग है, कितने क्लोजिंग है, मैंने उनका काउंट को रख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इनका सील वैल्यू निकाल कर दोनों को रिटर्न कर दूंगा, तो इसका मैं अगर निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 1.5, लेकिन सील मुझे चाहिए तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस, इसका मैं निकालूँ तो 0.5 होगा, लेकिन मुझे सील चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1, दोनों को जोड़ दूंगा क्या होगा, 3, और 3 तो हमें चाहिए, और 3 तो हमें चाहिए। तो इससे हम क्या समझे सर, इससे हम क्या समझे कि सर इससे मैं कुछ नहीं समझा, लेकिन एक चीज़ मैं बहुत ध्यान से समझ लिया हूँ कि जो पहले वैलिड पैरेंथेसिस इसमें है वैलिड, उसको निकाल दो, क्योंकि ये कुछ कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है और अल्टीमेटली हमें वैलिड ही बनाना है, तो जो वैलिड है पहले उसको निकाल दो, ये तो वैलिड है ही। अब जो बच गया, जो बच गया उसमें देखो कितने ओपनिंग है, कितने क्लोजिंग है, और जितने हैं, जितने ओपनिंग है, जितने क्लोजिंग है, उनको काउंट करो और क्या करो, दोनों का सेम वैल्यू रिटर्न कर दो। तो ये तो आपका ए हो गया। आप स्टैक के हेल्प से, स्टैक के हेल्प से जो वैलिड पैरेंथेसिस है उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने पहले भी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ है कि पैरेंथेसिस वैलिड है कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है सर, समझ गया। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ मुझे पता है, एक मैं ओपन रख लूंगा यहाँ 0, एक मैं क्लोज यहाँ रख लूंगा 0। देखो मुझे एक चीज पता है कि कोई भी अगर डायरेक्ट पहले क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो उससे पहले ओपनिंग ब्रैकेट रहना चाहिए। अगर डायरेक्ट कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है मतलब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ चेंज करना पड़ेगा और उसको बनाना पड़ेगा ओपनिंग ब्रैकेट, इतना हमें पता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा, मैं देख रहा हूँ क्या है हमारा, ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, और जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा मतलब मुझे यहाँ तो चेंज करना पड़ेगा, तो जो मुझे रिजल्ट रखा रहूंगा कि यहाँ मुझे चेंज करना है, तो रिजल्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। पहले हमारा 0 था, रिजल्ट का वैल्यू 1 हो जाएगा, कि पहले हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट हो ही नहीं सकता है, इसको ओपनिंग चाहिए, और जैसे ही यहाँ रिजल्ट हो गया तो मैं ओपनिंग को भी यहाँ बढ़ा दूंगा। ओपनिंग को मैं क्यों बढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो ओपनिंग क्यों बढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ जो क्लोजिंग है इसके जगह पर मुझे ओपनिंग चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्लोजिंग नहीं हो सकता है, तो हमने ओपन को एक बढ़ा दिया है, ठीक है सर, समझ गया। अब फिर मैं जाऊंगा आगे, देख रहा हूँ ओपनिंग है, तो ओपनिंग है तो ओपनिंग को बढ़ा दो, मतलब दो ओपनिंग हो गया। देखो ओपनिंग यहाँ तक हमारा एक ही है, लेकिन एक इसको हमने ओपनिंग बनाया है कि पहले क्लोजिंग नहीं हो सकता है, इसलिए पहले हमने ओपनिंग बना दिया और ओपनिंग में इसको ऐड कर दिया, फिर हमारा ओपनिंग है, फिर हमारा ओपनिंग है, तो मैं क्या करूँगा ओपनिंग को फिर से बढ़ा दूंगा। अब हमारा क्या है, क्लोजिंग, जैसे हमारा क्लोजिंग है, क्लोजिंग तो आप क्लोजिंग को यहाँ 1 कर दो, क्लोजिंग को आप यहाँ 1 कर दो, आप चाहो तो 1 कर सकते हो क्लोजिंग को, या फिर क्लोजिंग को कुछ नहीं करना है। जैसे आपको क्लोजिंग मिला, हमने सिर्फ 0 इनिशियलाइज किया है, ध्यान समझो क्यों, जैसे हमें क्लोजिंग मिला तो मैं क्या करूंगा, एक ओपनिंग को घटा दूंगा, क्यों, क्योंकि देखो एक हमारे पास यहाँ ओपनिंग, जैसे क्लोजिंग मिला तो एक ओपनिंग को मैं क्यों घटाऊंगा, क्योंकि एक इसका पेयर बन गया, जब पेयर बन गया मतलब ये वैलिड है, तो इसको भगा दो। ध्यान से समझो, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही आपको ओपनिंग मिल रहा था, जैसे जैसे आप ओपनिंग में बढ़ा रहे थे, जैसे आपको क्लोजिंग मिला तो आप एक ओपनिंग को घटा दो, जैसे आपको क्लोजिंग मिला तो आप इस ओपनिंग को घटा दो, मतलब ये वैलिड है, इसको भगा दो, ये खत्म हो गया, ठीक है। फिर आप आगे जाओगे, फिर आपको क्लोजिंग मिला तो आप इस एक और ओपनिंग को घटा दो, खत्म कर दो, मतलब ओपनिंग का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब ये वैलिड था, वैलिड को मुझे हटाना है। उसमें आप स्टैक के हेल्प से घटा रहे थे, इसमें आप वेरिएबल के हेल्प से घटा रहे हो, राइट। फिर आप यहाँ जाओगे, आपको ओपनिंग मिलेगा, तो ओपनिंग को क्या करो आप,
फिर से बढ़ा दो, फिर आपको ओपनिंग मिला, ओपनिंग को फिर से बढ़ा दो, फिर आपको ओपनिंग मिला, ओपनिंग को फिर से बढ़ा दो। मतलब अब देखो लास्ट में, अब लास्ट में आपको ओपन मिल गया 4 और रिजल्ट मिल गया 1, तो लास्ट में क्या होगा, रिजल्ट प्लस आपका जो ओपनिंग है प्लस क्लोजिंग बाई 2, इसको रिटर्न कर दो, तो रिजल्ट 1 है और ओपनिंग कितना है 4, क्लोजिंग कितना है 0। इसलिए मैंने क्लोजिंग सिर्फ रखा है कि क्लोजिंग हमारा यहाँ 0 है यहाँ तक, राइट। और इसका बाई 2 कर दो, मतलब 1 प्लस इसका 2 करो तो 2, 3, और 3 तो हमें चाहिए। तो देखो हमने क्या किया, हमने एक किया कि स्टैक के हेल्प से जो वैलिड पैरेंथेसिस है उसको निकाल दिया है, और दूसरे में हमने क्या किया है, दो हमने वेरिएबल रखा है उसके हेल्प से जो वैलिड पैरेंथेसिस है उसको निकाल दिया। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे वैलिड बनाना है, तो जो पहले से वैलिड है उसको क्यों डिस्टर्ब करना है, उसको बाहर निकालो और जो बच गया है उस पर ऑपरेशन करो, राइट। और मैं लास्ट में देख रहा हूँ, देखो इसको हमने ओपनिंग बना दिया है, यहाँ ओपनिंग, यहाँ ओपनिंग, यहाँ ओपनिंग, यहाँ ओपनिंग, तो इसको हमने ओपनिंग बनाया है, तो एक स्टेप तो हमने ले ही लिया है, और चूंकि यहाँ सारा का सारा ओपनिंग है तो मुझे दो को चेंज करना पड़ेगा, इसको क्लोजिंग, इसको क्लोजिंग, दो को चेंज करना पड़ेगा, तो दो और हो जाएगा, मतलब 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको ड्राई रन करके फिर से दिखाता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए और आपको मज़ा आ जाए, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमने बहुत सारे यहाँ अप्रोच डिस्कस किया, तो ध्यान से देखो, हमने पहले लेंथ निकाल लिया जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है उसका, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अगर लेंथ मॉडुलस 2 है तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न -1 कर दो, ठीक। लेंथ अगर अगर जिसका जो लेंथ है स्ट्रिंग का, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो, ठीक है, समझिएगा। फिर हमने एक स्टेप में क्या किया, इसमें स्टैक यूज किया है, और मैं क्या किया हूँ, जब तक मैं एक बार एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं क्या करूँगा एग्जाम्पल ले लूँगा, और जैसे एक हमारा एग्जाम्पल है, तो जैसे जब तक मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट, जैसे पहले मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट ही मिल गया, तो मैं चेक करूँगा क्या जो स्टैक इम्प्टी नहीं ना है, क्योंकि अगर स्टैक हमारा इम्प्टी है, सपोज स्टैक है इम्प्टी है, और पहले ही मुझे क्लोजिंग मिल गया, यहाँ हमें ओपनिंग मिलना चाहिए था, पहले हमें क्लोजिंग मिल गया और स्टैक में कुछ है ही नहीं, तो क्या करो फिर चेक करो, तो एल्स में क्या करो, स्टैक में इसको डाल दो, स्टैक में इसको इस एलिमेंट को डाल देना है, ठीक है। फिर क्या करो, देखो एक्सप्रेशन ऑफ आई अगर एक क्लोजिंग ब्रैकेट है और स्टैक नॉट एम्प्टी, लेकिन स्टैक तो एम्प्टी है, तो एस पार्ट में जाएगा और स्टैक में इस एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, डाल देगा, तो हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ो, यहाँ अगर ओपनिंग ब्रैकेट है, क्या एक्सप्रेशन ऑफ आई ए है ना, ए नहीं है, ए नहीं तो क्या करो, ए नहीं है तो क्या करो, ए ओपनिंग है तो क्या करो, फिर से स्टैक को इसमें डाल दो, और जब तक ओपनिंग मिला मुझे डाल दो, जब तक क्लोजिंग मिला, जैसे क्लोजिंग मिला, क्लोजिंग तो इसका स्टैक का टॉप करो, ए ओपनिंग है तो इसको रिमूव कर दो, और फिर आगे जाओ, फिर क्लोजिंग मिला ओपनिंग है इसको रिमूव कर दो, फिर आगे जाओ, फिर हमारा ओपनिंग मिला तो ओपनिंग को इसमें डाल दो, फिर हमारा ओपनिंग मिला ओपनिंग को डाल दो, ओपनिंग को डाल दो, और लास्ट में हमारे पास 4 एलिमेंट इसमें बच गया, तो स्टैक का जो साइज है 4, तो जो इसका लेंथ है इसका 4 हो गया। फिर एन हमने क्या किया है कि जब तक स्टैक इम्प्टी नहीं है और स्टैक का टॉप, जब तक ये हमारा क्या है ओपनिंग ब्रैकेट है, जब तक ओपनिंग ब्रैकेट है इसको काउंट कर लो, राइट। उसको क्या करना है, काउंट करना है स्टैक का टॉप, देखो तो 1, 2, 3, इसका 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3, तो इसका लेंथ निकाल लो अलग से, एन का लेंथ निकाल लो, और लास्ट में क्या करो, जो हमने आपको बताया है कि दोनों का सीलिंग वैल्यू आपको रिटर्न कर देना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, लेकिन इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना ही देना है, आपको जो मैंने यहाँ बताया है उस पर ध्यान देना है, मैं आपको इस सोल्यूशन में भी दिखाने वाला हूँ, राइट, ठीक है। और दूसरा किस्म हमने क्या बताया आपको, आपको क्या बताया कि एक ओपनिंग रखो एक क्लोजिंग रखो, ठीक है सर, समझ गए, ये हमारा जावा का सोल्यूशन है, मैंने C++ में भी इसको बताया हुआ, तो ध्यान ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, एक ओपनिंग रखो क्लोजिंग रख लो, एक रिजल्ट रख लो, कोई पहले ओपनिंग मिल रहा है तो ओपनिंग में काम कर दो, अगर ओपनिंग नहीं मिल रहा पहले क्लोजिंग मिल रहा है तो फिर क्या करो, अगर ओपनिंग 0 है डायरेक्ट पहले क्लोजिंग मिल गया और उससे पहले कोई भी ओपनिंग आया ही नहीं, मतलब क्या, ओपनिंग को हमारा बढ़ा दो, क्यों, क्योंकि क्यों बढ़ा दो, क्योंकि हमारा पहले डायरेक्ट क्लोजिंग आ गया है, क्लोजिंग, ओपनिंग मैं क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारा ओपनिंग होना चाहिए पहले, इसीलिए मैं ओपनिंग को बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो ओपनिंग को क्या कर दो, -1 कर दो, जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है, ओपनिंग को -1 भी किया है यहाँ, राइट। और लास्ट में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 रिटर्न कर दो, जो रिजल्ट है उसमें ऐड करके,
तो देखो इसमें हमने स्टैक यूज किया है, तो जो स्पेस होगा स्पेस ओ ऑफ एन हो जाएगा, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा टाइम वो भी ओ ऑफ एन हो जाएगा, और इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, तो ओ ऑफ वन सोल्यूशन हो जाएगा, और टाइम ओ ऑफ एन इसका भी लगेगा। मैं आपको एक और सोल्यूशन बताता हूँ, ध्यान समझ। एक और मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज कर लो एक क्वेश्चन है, सपोज कर लिया, हम क्या करेंगे पहले एक स्टैक बना लेंगे, स्टैक और एक आंसर रख लेंगे, आंसर इक्वल टू पहले 0 है, ठीक। अब मैं एक एक एलिमेंट को यहाँ ट्रावर्स करूँगा, सबसे पहले अगर ओपनिंग मुझे मिला तो मैं स्टैक में डाल दूंगा, तो मैं देख रहा हूँ क्या है ओपनिंग है, नहीं जी ओपनिंग तो नहीं है, तो फिर मैं देखूंगा क्या एक स्टैक हमारा एम्प्टी है, हाँ एम्प्टी है, तो आंसर में मैं 1 को ऐड कर दूंगा और स्टैक में इसको डाल दूंगा, किसको, ओपनिंग को। क्यों ओपनिंग को मैं क्यों डालूंगा, क्योंकि यहाँ ओपनिंग होना चाहिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है क्लोजिंग है, तो मैं स्टैक में ओपनिंग क्यों डालूंगा, क्योंकि यहाँ ओपनिंग होना चाहिए, पहले क्लोजिंग दे दिया ये नहीं होता है, यहाँ ओपनिंग होना चाहिए, तो ओपनिंग हमने लिख दिया, ठीक है सर समझ गया, ठीक हमने क्या किया समझ गया। फिर मैं आगे जाऊँगा, अगर हमारा ओपनिंग है, जैसे ओपनिंग है तो स्टैक में क्या करो डाल दो, स्टैक में इसको भी डाल दिया, फिर ये ओपनिंग है स्टैक में इसको भी डाल दिया, फिर एक क्लोजिंग है, और जैसे ही क्लोजिंग मिला अब स्टैक एम्प्टी नहीं है तो इसको रिमूव करो, स्टैक के टॉप को रिमूव करो, क्लोजिंग मिला रिमूव करो, फिर यहाँ क्लोजिंग मिला रिमूव करो, दोबारा क्लोजिंग मिला रिमूव करो, फिर हमें ओपनिंग मिला, जैसे ही ओपनिंग मिला, जैसे ही ओपनिंग मिला, और जैसे ही हमको ओपनिंग मिला मैं क्या करूँगा स्टैक में डाल दूंगा, फिर मुझे ओपनिंग मिला फिर मैं स्टैक में डाल दूंगा, फिर मुझे ओपनिंग मिला फिर मैं स्टैक में डाल दूंगा, स्टैक में डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा कि जो स्टैक का जो साइज है उसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, क्योंकि जो पेयर था, अगर ये पेयर था तो इसको तो हमने स्टैक से निकाल दिया है, इसमें भी वही काम किया है, तो निकल गया स्टैक से। अब मैं चेक करूँगा क्या जो एलिमेंट बचा है वो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो नहीं है, नहीं नहीं है, तो क्या करूँगा, आंसर जो हमारा 1 था 1 प्लस स्टैक का साइज कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको रिटर्न कर दो, 1 + 2 = 3। और यही काम मैं आपको दिखाऊँ अगर पीछे करके, तो यही काम तो हमने यहाँ भी किया है, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट से, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट से हमने कर लिया है, और मैं यहाँ आपको मैंने यहाँ स्टैक से भी कर लिया है। मतलब क्या, आप स्टैक को चाहो तो रिमूव कर सकते हो, और ओपन और क्लोज वेरिएबल से भी आप काम कर सकते हो, तो इसमें आपका ओ एफ एन स्पेस लग जाएगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका ओ एफ एन लग जाएगा। आप चाहें तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, किससे, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट से, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, इसको आप C++ में इंप्लीमेंट करके देख लेना, मैंने जावा में करके दिखाया है, क्योंकि मैं बहुत सारा सोल्यूशन को यहाँ नहीं दिखा सकता, मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, अपने से आप इसको लिख लो, ये जावा में आप इसको लिख लो C++ में और C++ में। तो चलिए मैं आपको कोड अब रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपको डी से काफ़ी स्ट्रक्चर वे में नोट्स चाहिए तो आप इस लिंक पर जाकर ले सकते हैं, या फिर आपको DSA का कोर्स चाहिए वीडियो वाला तो आप इस लिंक पर जाकर उसको ले सकते हैं। अगर आप त्रिलोकी10 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लो, तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेकआउट करो, आप जाकर चेकआउट करो, मैं चलता हूँ और आपको कोड रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, आपको कोड अभी रन करके दिखा दूंगा, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इधर, और ये हमारा स्टैक वाला इंप्लीमेंटेशन है C++ का, मैं इसको सबमिट कर दूंगा। आप ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट की हेल्प से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने का कोशिश किया है, सेशन एक्सपायर कर गया, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और थोड़ा टाइम लग जाता है, सेक्शन एक्सपायर हो गया क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट, तो ये सेक्शन एक्सपायर हो गया, तो मैं क्या करता हूँ इसको रिमाइंड मी लेटर, और ये हमारा C++ का सोल्यूशन है, मैं सिंपली सबमिट पर कर दूंगा क्लिक। और यार अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, हमारा रन कर गया, और मैं आपको दिखाऊंगा जावा का सोल्यूशन, हमारा जावा का है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट की हेल्प से, मैं इसको भी सबमिट कर दूंगा। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करो, नए नए चैनल पर आया तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सारा का सारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अपने मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।